एचआरटीसी धर्मशाला ने पिछले साल की आय में 49.46 करोड़ है, जबकि वर्ष 2018 में ये आय 48.20 करोड़ रुपए थी। यानी गत वर्ष निगम के धर्मशाला डिपो के राजस्व्य में 1.25 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो कि वर्ष 2018 से 2.61% अधिक है। इससे स्पष्ट है कि यात्रियों की दिलचस्पी निगम की बसों में यात्रा को लेकर बढ़ी है। एचआरटीसी धर्मशाला की आय पिछले साल 49.46 करोड़ थी, जबकि वर्ष 2018 में ये आय 48.20 करोड़ रुपए थी। यानी गत वर्ष निगम के धर्मशाला डिपो के राजस्व्य में 1.25 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो कि वर्ष 2018 से 2.68% अधिक है। डिपो की प्रति किलोमीटर आय 40.62 रुपए रही है, जो कि वर्ष 2018 के मुकाबले 4.26% अधिक है, क्योंकि वर्ष 2018 में ये आय 38.96 रुपए थी। इससे स्पष्ट है कि यात्रियों की दिलचस्पी निगम की बसों में यात्रा को लेकर बढ़ी है। डिपो की माइलेज 1.21 करोड़ किलोमीटर रही है। ओवरलोडिंग रोकने और यात्रियों को बेहतर व सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एक साल में 7 नए रूट शुरू किए गए हैं। ये रूट आसपास के क्षेत्रों में ओवरलोडिंग की समस्या से निपटने के लिए शुरू किए गए हैं, जिनका लाभ भी यात्रियों को मिल रहा है। स्पेशल बसों की एप्स में निगम ने 25 लाख रुपए का राजस्व एकत्रित किया है। बसों की स्पेशल बुकिंग करवाने वालों को 10% छूट भी निगम द्वारा दी गई। एक तरफा बस बुक करने वालों को भी किराए में 50% छूट दी गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए बसों में रीजनल मैनेजर का नंबर अंकित किया गया है। यही नहीं, यात्रा को लेकर यात्रियों से निगम अधिकारी स्वयं इंटरेक्ट भी होते हैं तथा उनसे निगम बसों में यात्रा के अनुभवों की जानकारी ली जाती है। एचआरटीसी डिपो धर्मशाला के आरएम पंकज चड्डा ने कहा कि निगम की आय में वर्ष 2018 के मुकाबले वर्ष 2019 में 1.25 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। निगम ने ओवरलोडिंग रोकने के लिए गत वर्ष 7 नए रूट आरंभ किए हैं। स्पेशल बसों की बुकिंग से निगम ने 25 लाख रुपए का राजस्व एकत्रित किया है। पहले तो मैंने हर वर्ष की भांति अपने जो जितने एचआरटीसी के जो कम्यूटर्स हैं जो हमारी बसों में सफर करते हैं, उन्हें मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और हर वर्ष की भांति भी धर्मशाला डिपो ने इस साल टोटल जो है 1.21 करोड़ किलोमीटर कवरेज की है। और टोटल जो इस बार 2019 में धर्मशाला डिपो की आय रही है वो रही है 49.46 करोड़, जो कि पिछले साल हमारी जो आय थी वो थी 48.20 करोड़ रुपया। तो टोटल हमारी डिपो की आय 1.25 करोड़ रुपया इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ी है, जो कि टोटल पिछले साल की औसत से 4.26% ज़्यादा है। और अगर हम पर किलोमीटर के बारे में बात करें तो वो 40.62 रुपये है, और पिछले साल जो हमारी EPKM थी वो थी 38.96 रुपये। तो हमारी टोटल आय में भी बढ़ोतरी हुई है और आय पर किलोमीटर में भी बढ़ोतरी हुई है। और टोटल हमने पिछले साल 7 नए रूट जो थे वो चलाए थे, वो जो हमारे पास जो ओवरलोडिंग के इश्यूज आए थे और कुछ हमारे को नई गाड़ियों के इश्यू आए थे, उसके उपलक्ष्य में हमने 7 नए रूट जो है लोकल टेरिटरी में हमने और ऐड किए थे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।